चुनाव दर चुनाव नेता बदले, पार्टियां बदली, लेकिन ना जाने कितने हजार सालों से वंचित महिलाओं की दशा नहीं बदली है। ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया जो उनके हालात सुधार सके और उनसे जुड़े सेकेंड जेंडर वाला ये टाइटल हटा सके। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि आज़ाद भारत में महिलाओं को सत्ता संभालने का मौका बहुत कम मिला है। भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी सत्ता की शीर्ष समझी जाती है, जिस पर आज तक सिर्फ एक ही महिला बैठ पाई है। बात मौजूदा सत्ताधीश की करते हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर सत्ता में आई नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अपनी मांग लेकर सड़क पर उतरी महिलाओं पर डंडे चले, लाठियां चली। आइए देखिए मेरे साथ ऐसे मुद्दे जो मोदी राज में महिलाओं के हक से जुड़े सवाल बनकर समाज से जवाब मांग रहे हैं। हमारे नेता लोग शायद जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब ही नहीं जानते, इसलिए तो हमें उनके लिए ये वीडियो खास तौर पर बनाना पड़ रहा है। अब भाजपा के नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया को ही ले लीजिए। इन्होंने एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में विपक्ष को कमजोर बताने के लिए पेटीकोट और चूड़ियां पहनने की सलाह दी थी। भाइयों से तो जब मैं अपनी गौरव भाटिया, आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्या मतलब कि विपक्ष पेटीकोट पहनकर बैठ जाए? क्या मतलब है इसका? सुनिए, आप महिलाओं का अपमान करते हैं, आप विपक्ष का अपमान करते हैं, और आपको लगता है इस तरीके के शब्दों को महिला बैठकर सुनूंगी? आज जो बुजदली, एक मिनट, महिलाओं का क्या सम्मान मतलब है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। बुजदली का मतलब क्या है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। गौरव भाटिया का काम है भाजपा के विचारों को पब्लिक में रखना। इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा महिलाओं के लिए इस तरह के विचार रखती है और ये सोचती है कि पेटीकोट और चूड़ियां पहनने वाली महिलाएं कमजोर हैं। गौरव भाटिया का ये कमेंट उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाने के लिए काफी है। उनके इस कमेंट से पता चलता है कि वो चूड़ी और पेटीकोट को कमजोरी डर का पर्याय मानते हैं। जाहिर है महिलाएं ही ज्यादातर चूड़ी और पेटीकोट पहनती हैं, इसलिए गौरव भाटिया के मुताबिक महिलाएं भी डरपोक और कमजोर हुई। कायदे से तो इस महिला विरोधी बयान के लिए गौरव भाटिया को बीजेपी से निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस पार्टी के सबसे ज्यादा नेता महिला उत्पीड़न के आरोपी हों, उस पार्टी से ऐसी उम्मीद करना बेकार है। खैर, गर्व की बात यह है कि ऐसे असंवेदनशील समाज में रहकर भी महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। इसी समाज में सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी और इसी समाज में महिलाओं ने अपने घर के चूल्हे चौके को छोड़कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाया था और पत्नी धर्म के ढकोसले से निकलकर खुद को पहचाना था। इसी साल भारतीय पितृसत्तात्मक मानसिकता से ग्रस्त समाज की एक और कड़वी सच्चाई को ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने सबके सामने लाकर रख दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में महिलाओं के साथ आर्थिक भेदभाव हो रहा है। दुनिया भर की महिलाएं एक साल में 710 लाख करोड़ का ऐसा काम करती है जिनका उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता। ना ही गांव की कोई स्त्री अपने काम का सही दाम पाती है और ना ही शहर की। पिछले साल आई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम कमाती हैं, भले ही उनके पास पुरुषों के जैसी ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों ना हो। जिन सरकारों की जिम्मेदारी गैर बराबरी को मिटाना है, जब वही इस अंतर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो सुधार की कोई बड़ी उम्मीद दिख नहीं रही है, कम से कम मोदी राज में तो बिल्कुल नहीं। काम तो छोड़िए, महिलाओं को मंदिर जाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मंदिर की लाइनों से उन्हें इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्हें पीरियड्स होते हैं। सबरीमाला मंदिर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव से जुड़ा एक अहम मुद्दा है। देश के एक राज्य में एक ऐसा मंदिर है जहां कुंठित रिवाजों के नाम पर उन महिलाओं को मंदिर में जाने की एंट्री नहीं मिलती जिन्हें पीरियड्स होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 को ही फैसला देकर महिलाओं को सबरीमाला मंदिर के अंदर जाने का अधिकार दे दिया था, जो उन्हें उनके संविधान से पहले ही मिल चुका था। लेकिन उसके बाद भी केरला के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को अंदर जाने में खासा दिक्कत आ रही है। धर्म के नाम पर कुछ गुंडे कानून के भी खिलाफ चले गए हैं और हैरानी की बात तो ये है, जिन नेताओं को जनता की सेवा के लिए रखा गया है, वो भी आधी आबादी के अधिकारों के खिलाफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, फिर वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या विपक्षी नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सबरीमाला आस्था का मामला है और राहुल गांधी का भी कुछ ऐसा ही बयान आया था। अब अंत में नारीवादी आदिवासी कवित्री निर्मला पुतुल की एक कविता। निर्मला पुतुल अपनी कविता क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए में समाज से कुछ ऐसे ही तीखे सवाल करती हैं। वो पूछती हैं, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए, एक तकिया कि कहीं से थका मंदा आया और सिर टिका दिया,
कोई खूटी कि ऊब उदासी थकान से भरी कमीज उतारकर टांग दी। निर्मला पुतुल की इस कविता से पता चलता है कि महिलाएं अब सजग हो गई हैं। वो समाज से सवाल भी कर रही हैं कि वो उसके लिए क्या हैं और क्यों नहीं उसको उसका हक मिला। महिलाएं केवल ये नहीं पूछ रही कि वो क्या हैं, महिलाएं ये भी बता रही हैं कि वो सब कुछ हैं अपने लिए। सत्ता अगर उनका साथ नहीं देगी तो ये आधी आबादी खुद ही अपनी सरकार बना लेगी और अपने चुने चेहरे के जरिए ही अपना हक हासिल करेगी।